हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा और मैं आज आपको नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कवर करवाने वाला हूं। धीरे धीरे देखते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मैटर से। मैटर क्या होता है? तो बच्चे लोगों, आपको ये चीज़ का आइडिया होगा कि मैटर क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हो, सब कुछ मैटर के अंदर आता है। आपके सराउंडिंग में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ मैटर ही है। बेसिकली जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं भी मैटर का मिलके बना हुआ हूँ। मेरी आइज भी मैटर की मिलके बनी हुई, उनके अंदर कोई लिक्विड फिलअप है वो भी मैटर है। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं ये भी क्या है? मैटर हैं। बेंचेस डली हुई हैं ये भी मैटर है। लैपटॉप रखे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, वो भी सब कुछ मैटर के अंदर आता है। राउटर लगा हुआ है, वो भी मैटर है। तो जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, या ऐसा भी हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा। अब आप कहोगे सर ऐसी कोई चीज़ मैटर कैसे हो सकती है जो नहीं दिखाई दे रही है? तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने ये यहाँ पर स्प्रे किया, आपको दिखाई देता है? एक बार तो हल्का फुल्का दिख सकता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? गायब हो जाती है। मतलब जो सेंट निकला वो एक बार के लिए विजिबल हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास में थे। मॉलिक्यूल वोलिक्यूल छोड़ते हैं, अभी मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे। हम लोग कहेंगे कुछ छोटे छोटे इससे जो पार्टिकल निकल के आए हैं, वो अगर पास पास हैं तो क्या कह देंगे? वो आपका मैटर का विजिबल रहेंगे, वो मैटर का पार्ट है, दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पास पास हैं। वो जब दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, डिफ्यूजन का फिनोमिना हो जाता है। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? फैलना किसी भी चीज का। तो गैस अगर फैल जाए अपनी जगह से दूसरी जगह फैल जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं या पार्टिकल्स जितने भी होते हैं गैस के, उनके अंदर एक एनर्जी होती है, वो अपने आप ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक दूसरे के साथ टक्कर मारते रहते हैं। मतलब ये आपकी तरह हैं बच्चों, इनको जिस वे में आप लेके जाना चाहो ये चल देंगे। अब उससे अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैटर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैटर विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी, दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी रहेगी। पर मैटर आपको अपने सराउंडिंग में जो कुछ है वो सब कुछ मैटर है। अब उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, कुछ बेसिक आपको आइडिया भी होगा कि आपके अराउंड चीज़ें सॉलिड होती हैं या लिक्विड होती हैं या गैस होती है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया गैस की भी पॉसिबिलिटी है। सॉलिड जैसे आपकी बेंचेस है, लैपटॉप है। सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड ऐसे होंगे जिनके डेफिनेट शेप होगी, इनका एक फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड शेप होगा, साइज भी इनका फिक्स्ड होगा और वॉल्यूम भी इनका फिक्स्ड होगा। तीनों चीजें, इनका शेप भी फिक्स्ड होगा, साइज भी फिक्स्ड होगा और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, जैसे कि वाटर है, मिल्क है, अल्कोहल है, बहुत कुछ हो सकता है लिक्विड स्टेट के अंदर। तो उसमें से मैं आपको दिखाता हूं, जैसे वाटर है आपके पास, ये वाटर मैंने ले रखा है एक बोतल के अंदर। आप कहीं से बोतल कहां से लाए? तो मेरे पास रखी हुई थी, मैंने आपके लिए मंगवा रखी थी। यहाँ पे आप वाटर देखिए, यहाँ पे ये वाटर आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना आपका वाटर है और इस वाटर के अंदर कोई फिक्स शेप नहीं है। ये क्या कर रहा है? जिस वेसल के अंदर डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे बोतल के अंदर डाला तो बोतल जैसी शेप इसने ले ली है। मैं इसको क्या करूं, किसी दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर देता हूं। जैसे यहां पर आपको एक दूसरा वेसल दिखाई दे रहा होगा, इसमें इस वाटर को ट्रांसफर करता हूं तो क्या होगा, ये इस वेसल की शेप ले लेगा। वाटर ने क्या किया, दूसरे वाला जो वेसल था उसकी शेप अडॉप्ट कर ली। देखो मैंने पूरा का पूरा वाटर ट्रांसफर कर दिया है। अब आप देखिए ये तो खाली हो गया, इसमें कोई वाटर की शेप है नहीं। यहां पे वोटर ने एक अलग शेप ले ली, यहां पे अलग शेप का था, यहां पे अलग शेप आ चुकी है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वोटर की कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी? कोई डेफिनेट शेप नहीं, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। ये गलती मत करना, शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम परफेक्टली फिक्स्ड है। उसी वॉल्यूम पे हम लोग
रहेंगे, जो वॉल्यूम आपकी गिवन है सेम वॉल्यूम, जो वॉल्यूम बोतल के अंदर थी वही वॉल्यूम दूसरे वेसल में मैंने ट्रांसफर की है। ऐसा मत कर देना कि सर शेप भी डेफिनेट नहीं है, वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, हमारे क्या लेना देना है, हमारे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। यहां पर क्या बोलेंगे, वॉटर या लिक्विड जो भी होगा वो जिस भी वेसल के अंदर डालेगी उसी की शेप को अडोप्ट कर लेगा। थर्ड बात करते हैं गैशियस स्टेट की, तो मैं फिर से मेरा फुसफुस उठा लेता हूं, ये मेरा फुसफुस है, ये मैं डेली यूज करता हूं, तो ये हम लोग स्प्रे करते हैं बेसिकली, ये क्या है बेसिकली डिओड्रेंट है आपका, और मैं जब स्प्रे करता हूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ अमाउंट में गैस निकल रही है फिर गायब हो जा रही है, यहां पर कुछ इससे लिक्विड भी आ रहा है, इसके गैस के साथ कुछ कुछ लिक्विड मिक्स होता है इस वजह से ये लिक्विड दिखाई देगा, लेकिन ये लिक्विड भी कुछ देर में उड़ जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड गायब हो गया है। ये गैस जा कहां रही है, इस बोतल के अंदर थी, बोतल जैसी थी, एटमॉस्फेयर में गई कैसी हो गई, दिखाई नहीं दे रही सर, ये तो इनविजिबल हो गई है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे जैसे जा रही है ये क्या हो जा रहा है, इनविजिबल हो जा रहा है। अब इनविजिबल हो जा रहा है तो मैं क्या कहूंगा, इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, डेफिनेट शेप भी नहीं है। सो अगर मैं लिक्विड की बात, सॉरी अगर मैं गैस की बात करूं, यहां पे आपको अगर मैं गैस का एग्जांपल देता हूं, गैसेस डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप और volume is not present, gases do not have well defined shape or volume, so I have written here well defined shape or volume is not present, same is true for liquid the shape was not well defined but volume was well defined, volume was fixed, volume is fixed, but shape is not well defined. तो बच्चों अब तक हम लोगों ने ना सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स क्या होती हैं, उनको कैसे हम लोग देख सकते हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉलिड के अंडर पार्टिकल कैसे होते हैं। आपको पता है सॉलिड की एक परफेक्ट शेप होती है, उसका शेप फिक्स्ड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड को अगर हम लोग देखें तो उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। जैसे ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ये आपने सॉलिड बॉक्स लिया, इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, पार्टिकल एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच्ड हैं, इनको हिलने के लिए भी स्पेस नहीं मिलता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड। लिक्विड के अंदर क्या होगा, पार्टिकल है क्लोज ही है लेकिन लूजली बाउंड है, पार्टिकल्स यहां पर क्या है, लूजली बाउंड है। जब लूजली बाउंड है तो वो क्या हो सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें मोशन आ सकता है, थोड़ी थोड़ी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, उन चेंजेस की वजह से क्या होगा, इसमें फ्लो की टेंडेंसी आ जाती है। लिक्विड फ्लो किस वजह से करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आर लूजली बाउंड, इसके पार्टिकल क्या है, लूजली बाउंड है। गैस की बात करूं तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इनमें बहुत कम अट्रैक्शन होता है। अब एक चीज मैंने वर्ड और यूज कर दिया कि अट्रैक्शन होता है, तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसी वजह से ये पैक्ड रह पाता है। पैक्ड रह पाने की वजह से ये आपको ऐसा दिखेगा, सॉलिड एक परफेक्ट शेप ले पाता है, अदरवाइज ये नहीं कर पाता, ये अट्रैक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। लिक्विड में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करूं तो सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में बहुत रिलेटिवली काफी वीक हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। गैस में नॉन एग्जिस्टेंट टाइप के हैं, काफी कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं गैस के अंदर। सो गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो सकते हैं इसी वजह से, और इसी कारण से क्या होता है, डिफ्यूजन की टेंडेंसी आ जाती है।
गैसेस के अंदर डिफ्यूजन की टेंडेंसी इसी वजह से आती है क्योंकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड नहीं है, एक दूसरे से दूर इजीली जा सकते हैं। तो इसी वजह से अगर किसी बंदे का घर से कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो वो इजीली कहीं पे भी घूमने जा सकता है, इंडिया मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के भी जा सकता है, कहीं और कंट्री में जाके भी रह सकता है, उस कंट्री को भी छोड़ सकता है। उसके अंदर अगर अट्रैक्शन की टेंडेंसी नहीं है या उसकी अटैचमेंट्स नहीं है किसी के साथ भी तो वो इजीली अपनी प्लेस को चेंज कर सकता है। और यही गैस के साथ होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज करके कहीं भी जा सकते हैं इजीली क्योंकि उनका कोई अट्रैक्शन नहीं है किसी के साथ भी। ये मेजर डिफरेंसेस थे, मैं आपको लिख देता हूं साथ साथ, आप देखते जाइए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, लिक्विड्स हैव सम स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़े थोड़े स्पेसेस होते हैं। गैस में क्या होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। सो या मैं ऐसे बोलूं कि इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकंड पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो इंटरपार्टिकल फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ लिक्विड दे आर रिलेटिवली वीक, एंड इन केस ऑफ गैसेस दे आर वर्चुअली एब्सेंट। ओके, सो सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से रहते हैं इन तीनों स्टेट्स के अंदर। उसके बाद फर्दर दो पॉइंट्स और हम लोग डाल सकते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड टू सम एक्सटेंट, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड टू एक्सट्रीम लेवल। एज यू कैन सी दिस इज अ कैन, यहाँ पर एक कैन है मेरे पास जिसके अंदर गैस कंप्रेस करके रखी हुई है। अब इसको देखो, इस कैन के अंदर गैस बहुत कम दिखाई दे रही है आपको, लेकिन मैं इसको जैसे ही प्रेस करता हूँ कितनी गैस निकल के जा रही है, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको कितनी गैस कहाँ तक पूरे रूम में फैले जा रही है। तो ये किस वजह से हो पाता है, क्योंकि गैसेस कैन बी कंप्रेस टू ए एक्सट्रीम लेवल। यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसके बाद आपके सामने टेबल फॉर्म में ये काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको टेस्ट में लिखने को आ जाता है सेम क्वेश्चन तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें हर कोई लिखता है, आपको मार्क्स मिलेंगे जब कुछ अच्छा लिखोगे आप, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस टेबल को ध्यान से मेमोराइज कर लेते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, आपके सामने आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस टेबल को नोट डाउन कीजिए और आप आगे सेम पॉइंट्स को अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बच्चों एक चीज और है, ये सॉलिड लिक्विड गैस में क्या रिलेशन होगा आपस में, तो आपने ना बचपन से देखा होगा, हम लोग पानी को बॉईल करते हैं, मिल्क को बॉईल करते हैं, क्या होता है हम लोग एक लिक्विड लेते हैं उसको नीचे से हीट सप्लाई करते हैं और क्या होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्क क्या होता है, बॉईल कर करके ऊपर जाता है, पानी भी ऐसे ही बबल्स बन बन के क्या होगा उसमें से गैस निकल निकल के जाएगी और पानी धीरे धीरे गायब होता जाता है। आपने देखा होगा, आपने खुद ने भी किया होगा बहुत बार, लेकिन उस वक्त आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस का कोई कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं बताता हूँ कि आप अगर लिक्विड लें और उसको हीट सप्लाई करें, मतलब टेम्परेचर सप्लाई करें, तो उस केस में क्या होगा वो गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब गैस में कन्वर्ट क्यों हो जाता है,
क्योंकि हम लोग एक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जब एक एनर्जी देंगे तो पार्टिकल मोशन में आएंगे, मतलब पार्टिकल अपनी पोजिशन से मूव करने की कोशिश करेंगे। जब पार्टिकल अपनी पोजिशन से मूव करेगा तो क्या होगा, वो बाकी सारे पार्टिकल से दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। जो अब तक हम लोगों ने बताया कि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते हैं, वो इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। सेम चीज़ लिक्विड और गैस के इंटरकन्वर्जन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको हीट करता हूँ लिक्विड को, तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कूल करता हूँ तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड को हीट करूंगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस को कूल करूंगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और चीज, आइस पे भी सेम फिनोमिना आपने देखा होगा। आइस हम लोग लें और उसको हीट सप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, पानी। आइस को गर्म करें तो क्या बन जाता है, पानी बनता है सिंपली। तो अगर सॉलिड को भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, सॉलिड को अगर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो आपका लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को कूल डाउन करेंगे, आप फ्रिज में रख दीजिए पानी को, जम जाएगा, बर्फ बन जाएगी। यहां पर फ्रिज में अगर आप पानी रख देंगे, जम जाता है, बर्फ बन जाती है। तो लिक्विड को कूल डाउन करेंगे, क्या बन जाएगा, सॉलिड। एक और फिनोमिना है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। सब्लिमेशन कैसे होता है, आप क्या करो, एक कपूर लो, उसको गर्म करो। उस केस में क्या होगा, घर में कपूर रखा रहता है सबके, आप उसको गर्म करोगे ना, कपूर सीधा उड़ जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉलिड से सीधा गैस बनेगा। ये थोड़ा सा अलग फिनोमिना है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। बच्चों नाम याद रखना है, ये प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, सॉलिड सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ही गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक सॉलिड्स के लिए ही होता है। ऐसा नहीं कि हर एक सॉलिड में आप ये चीजें कर पाओगे, कुछ स्पेसिफिक सॉलिड होते हैं जो डायरेक्टली सब्लिमेशन शो करते हैं, जैसे कपूर है, आयोडीन है, ऐसे कुछ सॉलिड्स होते हैं जो ऐसी प्रोसेसेस देते हैं। लेकिन सब्लिमेशन के फिनोमिना में होता क्या है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, और ये भी टेम्परेचर सप्लाई करने से होगा। हीट करने से सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, कूल डाउन करने से क्या होगा, गैस सॉलिड में वापस कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए यहां पर हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। आगे फर्दर अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपने फोन नंबर यहां पर दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप के बाय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। बच्चों बहुत बहुत आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़िए जितना बढ़ सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।